बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के तीसरे दिन पर नॉमिनेशन टास्क के बाद हुआ एक बहुत बड़ा बवाल। बात कुछ ऐसी थी कि नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद सभी घर वाले गार्डन एरिया में एकत्रित होकर बात कर रहे थे और दीपक चौरसिया घर के राशन को लेकर एक मुद्दे पर बात कर रहे थे, मगर उनकी बात को इंटरप्ट करते हुए अरमान मलिक बीच में कूद पड़े, जिसके बाद दीपक चौरसिया काफी भड़क गए और अरमान मलिक के साथ कर बैठे एक बड़ा झगड़ा। दीपक अरमान से झगड़ा करते हुए ये कह रहे थे कि तू मेरी हर बात को पोक क्यों करता है, मैं तुझे 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुझे मेरे बीच में बोलना जरूरी है क्या, और तू और तेरी पत्नियां मेरी इंजरी को लेकर इशारों में बात क्यों करते हैं। जिसके बाद अरमान मलिक का भी हमें काफी गुस्सा देखने को मिला ये सब मैटर पर। और इस सब के चलते शिवानी कुमारी भी नॉमिनेट थी और उन्होंने अपना गुस्सा इस झगड़े में दिखाया और उन्होंने दीपक चौरसिया का साथ देते हुए अरमान मलिक और उनकी पत्नियों से झगड़ा कर बैठी। इस सब झगड़े के अंदर रणवीर शौर्य भी उतरे और उन्होंने शिवानी कुमारी को शांत करने की कोशिश करी, मगर शिवानी कुमारी ने उनको काफी सुनाया, जिसके बाद रणवीर शौर्य भी अलग हो गए। एपिसोड के लास्ट तक ये झगड़ा खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक का दीपक चौरसिया को पोक करना सही था या फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।